खबर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से। मिर्जापुर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 350 जोड़ों ने अग्नि को साची मानकर फेरे लिए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सपदी कन्या एवं सिंदूर दान की रस्म अदा की गई। परिजनों की उपस्थिति में एक दूसरे का जीवन साथी बने। इस मौके पर केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल, पूर्व विधायक सुची सिमता मौर्य, जिला अधिकारी प्रियंकर निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी बी एस समेत तमाम लोगों ने वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया। नगर का राजकीय इंटर कॉलेज 350 सामूहिक विवाह का साक्षी बना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए वर वधु सनातन संस्कृति के अनुसार विवाह संस्कार में बांध कर ग्रस्त आश्रम में प्रवेश किया। भव पंडाल में जुटे परिजनों और बैंड बाजे के साथ शहनाई की गूंज के साथ विवाह संपन्न हुआ। आर्थिक तंगी के कारण बिटिया के हाथ पीले करने में आ रही बांधा को मुख्यमंत्री के सामूहिक विवाह योजना ने दूर किया। वर एवं वधु पक्ष के लोगों ने पंडाल में प्रवेश किया। मंगल ध्वनि और वेद मंत्रों के बीच सप्तदी हवन सिंदूर दान के साथ ही एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वादा किया गया। इस मौके पर केंद्र मंत्री क्षेत्रीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने बताया कि विवाह में प्रत्येक जोड़े पर 51,000 खर्च किया जा रहा है, जिसमें से 35,000 वधु के खाते में, 10,000 का उपहार एवं 6,000 व्यवस्था में खर्च हो रहा है। सामूहिक विवाह के आयोजन में उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। जिला अधिकारी प्रियंकर निरंजन ने कहा, जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 350 जोड़ों का विवाह कराया गया, जो एक सुगंध है। इसका आयोजन नगर के राज इंटर कॉलेज में किया गया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हुए अजय ने कहा कि सरकार की योजना अच्छी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश हम सब के लिए है। बिटिया बोझ नहीं, सहयोग के लिए सरकार है। वधु फूल कुमारी ने कहा, बिटियों को कोक में न मारा जाए, शादी की दिक्कत माता पिता के सामने न आए, इसके लिए सरकार की योजना अच्छी है। इसके लिए फूल कुमारी ने मुख्यमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। कार्यक्रम क्या है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज हमारे मिर्जापुर जनपद के 350 जोड़ों का विवाह यहां पर संपन्न हुआ है। इस योजना के तहत प्रति जोड़ा 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है, जिसमें 35,000 रुपए सीधे कन्या के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, 10,000 रुपए का विवाह संस्कार के लिए उपयोगी सामान दिया जाता है और 6,000 रुपए शादी की व्यवस्था में आयोजन में खर्च किए जाते हैं। ये एक बहुत ही कल्याणकारी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार देते हैं। मिर्जापुर जनपद की ओर से एक साथ 350 जोड़ों का यहाँ पर जो पारिवारिक जीवन है उनका कल्याण हुआ है। उनका शादी विवाह बहुत ही सुखद वातावरण में, सुरुचिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। हम सभी हृदय से आभारी हैं। कितने जोड़ों की शादी है, क्या क्या हो रहा है आज? जो है वो 350 जोड़ों का सामूहिक विवाह GIC के इस महोरिया मैदान में किया जा रहा है और यहाँ पूरे जनपद के विभिन्न विकास खंडों से और नगर पालिकाओं से जोड़ों ने प्रतिभाग किया है। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय की शासन की मंशा के अनुरूप इस भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है और सभी के खातों में 35,000 रुपये पहुँचाया जाएगा। इसके साथ 10,000 रुपये का उपहार भी दिया गया है और साथ ही प्रत्येक जोड़े के साथ आने वाले मेहमानों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। आपका? मेरा नाम फुलकुमारी है। ये कौन सी योजना में आपका ब्याह हो रहा है यहाँ पर? सामूहिक विवाह है, सामूहिक विवाह के अंतर्गत हो रहा है ये। ये बहुत अच्छा मतलब योजना चला हुआ है। जो लड़कियों को पहले कोख में मार देते थे उसको ना मारा जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने इशू किया, ये योजना चलाया। माता पिता भी फायदा हो रहा है जी? शादी में दिक्कत होती थी पैसे के लिए? माता पिता को भी दिक्कत होता था शादी विवाह करने के लिए और पैसे वगैरह की दिक्कत होती थी, इसलिए ये योजना लागू किया गया ताकि अच्छे से शादियाँ कर सके, माता पिता भार न पड़े। माता पिता को भार न पड़े। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, क्या करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा ये। क्या करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहेंगे कि उनका कोटि कोटि धन्यवाद। अजय कुमार। अजय जी, कहाँ शादी आपकी हो रही है, कैसा लग रहा है? किस योजना के अंतर्गत हो रही है, क्या क्या हो रहा है? सर यहाँ पे मिर्जापुर में हो रहा है जो कि सामूहिक हो रहा है, तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। क्या कहेंगे सरकार की इस योजना को? बहुत अच्छा कहेंगे, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। कितना फायदा मिल रहा है इससे? फायदा जो है ठीक है, फायदा
अब फायदा क्या कहें आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।